महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में आज दूसरे दिन सरसों की खरीद के दौरान कुछ किसानों ने प्रशासन की व्यवस्था को बताया ढीला, टोकन मिलने में हो रही है परेशानी, जबकि प्रशासन ने किसानों को सभी व्यवस्थाएं देने की बात कही और दूसरा केंद्र शुरू कर जल्द ही सरसों के उठान की बात कही। वीओ हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में आज दूसरे दिन भी सरसों की खरीद कार्य चल रहा। किसान अपनी सरसों की फसल को अपने साधनों में भरकर मंडी में आ रहा है, जिससे मंडी के दोनों ओर सरसों से भरे वाहनों की लंबी कतारें लगी दिखाई पड़ रही है, जिससे आम लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमको सरसों लेकर आए थे जी, जब के हम खड़े हैं, टोकन भी कट गए, गेट पास कट गए, लेकिन टोकन नहीं कट रहा जी, परेशानी हो रही है जी। कल सुबह से और अब तक कुछ भी नहीं मिला ना टोकन। कल तो दोपहर के बाद बार भीतर के भीतर कर दिए थे, लाइन पे लगे हैं टोकन के लिए, अभी तक कोई टोकन नहीं दिया। आज जो टोकन दिया है, एक भी टोकन नहीं दिया आज वालों को। खरीद चल रही है उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं आपने की? यहाँ से मंडी में काफी भीड़ है और जगह नहीं होने की वजह से किसान मंडी के अंदर अपना फसल नहीं ले पा रहे थे कि भारी लाइन में खड़े थे, तो उसके लिए प्रशासन को इस स्थिति से अवगत कराया गया और प्रशासन की मदद से हमने एक दूसरी जगह आइडेंटिफाई कर ली है वेयर हाउस में और वो वहाँ हमने खरीद शुरू करवा दी है। अब जिस प्रकार से आपने कल कहा था कि दो काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे, आज हमने मौके में देखा एक ही काउंटर चल रहा है। आज अंदर जो किसान जा रहा है मंडी के अंदर, जिसकी एंट्री हो रही है उसी को गेट पास जारी हो रहा है, तो मंडी के अंदर जगह कम होने की वजह से मुश्किल से एक 10 व्हीकल एंटर कर पाए हैं। कल की मंडी फुल हुई पड़ी है तो लिफ्टिंग भी नहीं हो पा रही है मंडी में, क्योंकि जब तक जगह नहीं हो पाएगी तो लिफ्टिंग की भी दिक्कत आ रही है। जो टोकन के काउंटर, सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ टोकन की आ रही है। टोकन के कल आपने कहा था दो काउंटर शुरू होंगे, लेकिन आज एक ही काउंटर चल रहा है। कल दो काउंटर थे जी और अब दूसरा काउंटर यहाँ शुरू करवा दिया है, दूसरी एक जगह भी शुरू करवा दी है मंडी के साथ लगता वेरा उसका, उसकी परमिशन लेकर के डीसी मैडम से और यहाँ जो है हमने किसानों को एंटर करवा दिया और यहाँ पे गेट पास जारी किया। तो कब तक इन किसानों की समस्याओं का समाधान होता है? ये तो अब मैक्सिमम ये लगा लो कि एक दो घंटे में जितने भी इस साइट के जितने भी कर रहे हैं सबके सब जो है वो एंटर करते हैं और सभी को गेट पर जारी करते हैं। जो किसानों के पीने के पानी की समस्या है उसका क्या समाधान किया? पीने के पानी के लिए दो वाटर कूलर ऑलरेडी है, हमारा खुद का ट्यूबवेल है मंडी में, उसके अलावा हमने एक टैंकर मंडी के इस गेट पे और एक टैंकर उस गेट के लिए हमने अवेलेबल करवा दिया है, ताकि भाई बाहर जो किसान है उनको भी कोई दिक्कत ना हो।